अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कायनात अब्बासी और आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आ गई वो घड़ी जिसका था इंतज़ार। फाइनली रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। एक्निक की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत वज़ीर ख़जाना और मौसूलात शौकत तरीन ने की और इस इजलास में 23.6 बिलियन की लागत से रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। पंजाब एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस मंसूबे को फाइनेंस करेगा और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस 38.3 किलोमीटर 6 लेन मंसूबे पर जल्द अज जल्द काम शुरू करेगी। लेकिन इसके लिए जो एक शर्त रखी गई है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन से भी इस मंसूबे की मंजूरी ली जाएगी और एक्सेल लोड मैनेजमेंट को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसके बनने से जहां पर इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों को फ़ायदा हासिल होगा, ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, वहीं पे इसके इर्द गिर्द जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, नोवा सिटी है, जब रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबा बन जाएगा तो इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। व्यूवर्स, अभी अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी जाते हैं तो मोटरवे और चक्री इंटरचेंज को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा बन जाएगा तो इन सोसाइटीज़ तक जो रसाई है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो प्राइसेज़ हैं वो हाई हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये सिग्नल फ्री रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक के बिल्कुल भी कोई मसाइल नहीं होंगे। तो अभी इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें और अपनी सरमायाकारी को सेफ एंड सिक्योर करें। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।